हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शात्रा इलेक्ट्रिकल हब। आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो है माइकोम P122 रिले। आप देख सकते हो आपके सामने रखा है माइकोम P122 रिले, जिसका ऑक्सिलरी सप्लाई है एसी या डीसी दोनों में वर्क करेगा। 48 से 250 वोल्ट डीसी में वर्क करेगा या 48 वोल्ट से 240 वोल्ट एसी में वर्क करेगा। आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सिलरी वोल्टेज लिखा है। आप देख सकते हो ये है रिले का पूरा पार्ट नंबर है। और एक बात, इसका रिले का जो करंट इनपुट होता है, आप 5 एम्पियर भी ले सकते हो, 1 एम्पियर भी ले सकते हो। मतलब आपका जो सीटी है 5 एम्पियर या 1 एम्पियर में सीटी आता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपका स्टिकर में दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ नहीं दिया है, वो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। अब ये नंबर देखिए, यहाँ पे भी है, ये भी का मतलब अब देख लीजिएगा मैनुअल में। ये भी का मतलब है इस रिले के लिए ऑक्सिलरी वोल्टेज तो यहाँ पे लिखा है, और लॉजिक इनपुट जो वोल्टेज होता है वो होता है क्या, 110 वोल्ट डीसी में कम करेगा। डीसी एसी ऐसे हर कुछ लिखा रहता है, यहाँ पे 110 वोल्ट डीसी 77 वोल्ट से 132 वोल्ट डीसी में वर्क करेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं इस रिले का आज कैसे सेटिंग करते हैं उसके बारे में बोलेंगे, और कुछ मैं इस रिले का फॉल्ट एनालिसिस किया हूँ वो भी आप लोगों को शेयर करेंगे, जो आप लोगों का को फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा रिले को या आपका ब्रेकर को फॉल्ट को तुरंत रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को इसका HMI में जो डिस्प्ले में क्या बॉटम है, क्या की है, वो की को बारे में बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे रखा है, यहाँ पे अप एरो की है, यहाँ पे डाउन एरो की है, एक लेफ्ट राइट एरो की, यहाँ पे लेफ्ट एरो की। ये चारों एरो की वजह से सहायता से हम लोग क्या करेंगे, क्या कुछ एक मेनू से दूसरा मेनू में जा सकते हैं या जा सकते हैं, क्या आप मेनू का कुछ डिजिट का वैल्यू बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। और वो जो है एंटर बटन है, ये सिंबल एंटर का सिंबल है, इस सिंबल से हम लोग इस बटन से प्रेस करके हम लोग कुछ एडिट करना है, क्या कुछ सेटिंग का अंदर जाना है तो भी कर सकते हैं। और वो जो देख रहा है किताब की तरह सिंबल है, वो रीडिंग का सिंबल है। कुछ फॉल्ट आया, कुछ डिस्प्ले में शो हो रहा है मैसेज, उसको पढ़ने के लिए रीड करने के लिए मैंने इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा हम लोगों को, तो शो करेगा। अरे वो सारे कुछ में चला गया, लेकिन मेरे डायरेक्ट कैंसिल में जाना है तो हम लोग सी प्रेस कर देंगे, कैंसिल में चला जाएगा। ये है हमारा बॉटम का फंक्शन है। इधर देख सकते हो आप लोग इंडिकेशन शो हो रहा है, ये 8 इंडिकेशन है। यहाँ पे 4 इंडिकेशन मैन्युफैक्चरर बाय डिफॉल्ट सेट करके रखा है, और बाकी जो 4 है इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे जो 5 नंबर LED है, इसको हम लोगों ने एक फॉल्ट के लिए भी सेटिंग कर सकते हैं या एक से अधिक मल्टीपल फॉल्ट के लिए भी शो कर सकते हैं। समझ लीजिए ये आपका रिले में 8 फॉल्ट आया है, तो आप चाहते हो 5 नंबर LED ब्लो करे, लेकिन आप ये भी चाह रहे हो जो आपका रिले में R फेज में का ओवर करंट आया फिर भी सेम ये 5 नंबर में शो करेगा, तो ऐसे भी सेटिंग कर सकते हो। 2 हो गया कि 4 हो गया कि बहुत सारा सेटिंग है, ऐसे आप कर सकते हो, या आप चाहो तो 1 भी कर सकते हो। इस चारों को प्रोग्रामेबल LED बोलते हैं, आप चाहे तो प्रोग्राम कर सकते हो सेटिंग के थ्रू, ठीक है। इसका जो सामने जो कंट्रोल है हमने बोल दिया, और उसका पीछे टर्मिनल लगा है। इस टर्मिनल आपको जब इसको कनेक्ट करना है, काम करना है, तो आपको इसका मैनुअल स्टडी कर लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग काम करना, क्या हम लोग काम करेंगे। तो मैनुअल स्टडी करने से पहले मैं आपको इसको पावर देके कुछ बोलना चाहूंगा, उसके बाद आप मैनुअल को स्टडी कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, मैं इस रिले में ऑक्सिलरी सप्लाई दे दिया, फिर मैंने इसका सेटिंग डाउन एरो को प्रेस किया तो आउटपुट पैरामीटर में आ गया। आउटपुट पैरामीटर में हम फिर से पैरामीटर से सब पैरामीटर में जा रहा हूँ, प्रेस किया। इसके यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर वर्सन है। इस सॉफ्टवेयर वर्सन को भी आपको नोट करना है। अगर इसका मैनुअल आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे P12 सीरीज का जो रिले है उसका मैनुअल सारे डाउनलोड हो जाएगा एक साथ,
पीडीएफ में उसका जितना भी सॉफ्टवेयर अपडेट है उस मैनुअल मतलब वो पीडीएफ में सारे दे देगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस P1.22 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे और सॉफ्टवेयर वर्जन 12.E उस पेज में जाके उसका जो ओवरव्यू एक देता है क्या कुछ की में आएगा मेनू में वो देखना है। क्योंकि आप सॉफ्टवेयर वर्जन दूसरा देख लेंगे तो आपको ये ध्यान में रहेगा जो मेरा उसके सेटिंग के बाद वो आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं आएगा वो प्रॉब्लम। हम लोग शायद हम लोग बहुत कुछ लोग करते हैं, इसलिए मैंने वो आप लोगों को बोल रहा हूँ। मैंने आपको वीडियो में एक फोटो में भी दिखा दूंगा इस जब इसका सॉफ्टवेयर वर्जन और पीडीएफ जब डाउनलोड होता है उसमें क्या है उसका अंतर आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी मैं उसका मेनू सेटिंग के बारे में आपको बोल रहा हूँ। पहले मेनू सेटिंग करने से पहले आपको एक रेफरेंस के लिए एक चीज बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों का घर में जो टीवी है उसको आप लोग कलर साउंड या जो और कुछ ट्यूनिंग होता है था पहले, अभी तो ट्यूनिंग नहीं होता है, तो सर इनपुट HMI इनपुट होता है, ऑडियो वीडियो इनपुट होता है, उसको सेटिंग करने के लिए आप लोग क्या करते हैं मेनू प्रेस करते हैं। मेनू प्रेस करने के बाद आपके सामने एक मेनू का पूरा मेनू का पेज आ जाता है, उसका मेनू के अंदर क्या क्या मेनू है वो सब आ जाता है। उसके बाद आप लोग उसका सब मेनू में एंटर करते हो, सेम यहाँ पे भी मेनू आता है उसके बाद सब मेनू में एंटर होता है। लेकिन टीवी में क्या होता है एक बड़ा पेज रहता है उसमें सारे एक साथ शो होता है, लेकिन इस रिले में नहीं शो होता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले तो आप लोग मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे हार्डवेयर अलार्म आ रहा है तो एक मैसेज दे रहा है, इसको रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे रीडिंग का बटन प्रेस करेंगे, की को प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ऑक्सिलरी पावर सप्लाई 1/1 आ गया, फिर उसको प्रेस किया रिटर्न चला आया, ठीक है ना। तो मैंने अभी मेनू में जाना है, तो मेनू में जाने के लिए माइकोम रिले में डाउन एरो को प्रेस करना पड़ता है, डाउन एरो को प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पे मेनू में टीवी में क्या होता है सारे एक साथ शो होता है, लेकिन यहाँ पे तो सारे एक साथ नहीं शो होगा, सारे एक साथ नहीं शो होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मेनू में आउटपुट पैरामीटर आ गया, फिर मैंने राइट साइड में प्रेस किया, देखिए ऑर्डर्स आ गया, वो भी एक मेनू है, सारे मेनू का शो हो रहा है। देखिए उसके बाद कॉन्फिगरेशन शो हो रहा है, उसके बाद मेजरमेंट कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन G1 प्रोटेक्शन G1 है, G1 का मतलब है ग्रुप 1, प्रोटेक्शन G2 ग्रुप 2, ऑटोमेट कंट्रोल अब ऑटोमेशन जो होता है ऑटोमेशन करने के लिए इसके अंदर बहुत कुछ लॉजिक लगा रहता है वो शो हो रहा है, रिकॉर्ड शो हो रहा है, इवेंट शो होता है, फॉल्ट शो होता है वो उसमें शो हो रहा है, फिर आउटपुट पैरामीटर आ गया। तो आपको आपका दिमाग में रहना चाहिए ऐसे करके एक सर्कल में घूम के चला रहा है सारे पैरामीटर्स। क्या है ना आप क्या करते हो टीवी में क्या करते हो, अगर कलर सेटिंग है साउंड सेटिंग है ट्यूनिंग है तो आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो सर्कल में घूम के फिर आ जाता है ना, मेनू प्रेस करने के बाद डाउन एरो प्रेस किया पिक्चर में आ गया, फिर डाउन प्रेस किया साउंड में आ गया, प्रेस डाउन फिर से डाउन प्रेस किया तो ट्यूनिंग में आ गया, फिर से डाउन प्रेस किया तो पिक्चर में आ गया, क्या है साइकिल में घूमता है ना, ऐसे भी समझ सकते हो। या आपका जो टीवी में 50 चैनल है तो आप 50 चैनल के बाद फिर भी ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो जीरो में आ जाएगा ना, तो एक सर्कल में घूमेगा। तो आपको भी ये भी ध्यान रखना चाहिए इस रिले के वजह से ऐसे करके सारे घूम रहा है, मतलब सारे मेनू है, देखिए घूम के आउटपुट पैरामीटर से शुरू कर रहा हूँ, आउटपुट ऑर्डर्स कॉन्फिगरेशन मेजर कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन 1 प्रोटेक्शन 2 मैट कंट्रोल रिकॉर्ड्स आउटपुट फिर सर्कल में आ गया, ये सारे मेनू है। इस मेनू के से हम सब मेनू में जाएंगे तो क्या है डाउन प्रेस करेंगे तो सब मेनू में उसका सब मेनू में चला जाएंगे, तो आउटपुट पैरामीटर में मैंने सब मेनू में प्रेस कर रहा हूँ। देखिए सब मेनू में प्रेस किया फर्स्ट ऑफ आ गया पासवर्ड, अब चाहे तो यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हो, इधर पे मेरा पासवर्ड जो है देखिए नॉट ओके हो रहा है, मतलब मैं गलत दे रहा हूँ तो मैंने उसको सही कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बी दे रहा हूँ सारे दे रहा हूँ, देखिए ओके हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काम करते करते यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया था, देखिए मेरा पासवर्ड एक्चुअली ये था तो मैंने इसका पासवर्ड हो गया, फिर न्यू पासवर्ड दूंगा तो देखिए पासवर्ड चेंज हो गया, पासवर्ड चेंज हो गया मेरा, न्यू पासवर्ड ले लिया।
पासवर्ड ऐसे चेंज कर सकते हो आप लोग। देखिए उसके बाद आ रहा है लैंग्वेज, लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट है, इंग्लिश ही रहने दीजिए, इंग्लिश सिलेक्ट है। उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन है, ए रिले का डिस्क्रिप्शन P1221 रिले का डिस्क्रिप्शन आ गया। उसके बाद देखिए रेफरेंस 4xA है। उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर वर्सन, इस सॉफ्टवेयर वर्सन तो अब मैंने बोल दिया क्यों आपको सॉफ्टवेयर वर्सन ध्यान देना चाहिए। देखिए फ्रीक्वेंसी 50Hz में वर्क करेगा, 50Hz। देखिए एक्टिव ग्रुप इज इक्वल टू 1, उसका मतलब है आप जो पहले मैंने दिखा था मेनू का अंदर प्रोटेक्शन G1 G2 ग्रुप 1 ग्रुप 2, अभी ये ग्रुप 1 सिलेक्शन में है, मतलब अब ग्रुप 1 में जितना सेटिंग करके रखा हो रखा है वो यहाँ पे वही प्रोटेक्शन यहाँ पे लाइन में है, मतलब उस प्रोटेक्शन को लाइन में लेगा, ग्रुप 2 को छोड़ देगा। देखिए इनपुट, इनपुट है इस रिले में 1 2 3 तीन इनपुट है, लॉजिक इनपुट है। और उसका स्टेटस देखिए, उसका स्टेटस अभी जीरो, मतलब जीरो का मतलब ऑफ है, वन का मतलब है। जीरो का देखिए एक नंबर लॉजिक में इनपुट है इसलिए वन है, दो नंबर इनपुट में लॉजिक में वोल्टेज नहीं है, इनपुट नहीं है इसलिए जीरो है, तीन नंबर भी जीरो है। ये लॉजिक का इनपुट जो बात किया शुरू में वीडियो में, जो 110 वोल्ट डीसी 77 वोल्ट से 132 वोल्ट तक काम करेगा, वही उस वोल्टेज के बारे में बात करो, वो वोल्टेज रहेगा तो यहाँ पे वन होगा। आपको दिखाने के लिए मैं अभी आपको शो करवा रहा हूं, देखिए देखिए वन हो रहा है, छोड़ दे रहा हूं, जीरो हो रहा है, वन हो रहा है, जीरो हो रहा है, वन हो रहा है, जीरो हो रहा है। देखिए सारे को मैंने क्रॉस कर रहा हूं, देखिए सारे को छोड़ दिया फिर आ गया। तो आप ऐसे करके देख सकते हो, इसका बहुत काम में लगता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट लॉजिक में चेक कर सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ पे वन, अभी मैंने सोर्स को ओपन कर दिया तो यहाँ पे जो लॉजिक में प्रोग्राम किया हुआ है वो फॉल्ट आ जाएगा। वन में रखा है स्टिप सर्किट सुपरविजन के लिए, स्टिप सर्किट अनहेल्दी तो अनहेल्दी आ जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो चला जाएगा। ऐसा करके आप चेक कर सकते हो। उसके नीचे रिले है, इस रिले में 6 रिले लगा है, 6 रिले का है, उसका 6 रिले लगा, उसका स्टेटस शो हो रहा है। अभी देखिए आज का डेट है, आज का डेट में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज का डेट देख लीजिए, उसका जो टाइम है अभी करंट टाइम देख लीजिए, करंट टाइम कितना है, फिर से आउटपुट पैरामीटर में आ गया। देखिए मैंने बोला था एक साइकिल की तरह घूमता है, फिर से डाउन कट करके आउटपुट मैंने सब मेनू से एग्जिट होकर मेनू में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं ऑर्डर्स में चला जाऊंगा, ऑर्डर्स में जाके देखिए ऑर्डर्स के अंदर ओपन ऑर्डर नो है, नो रहने दीजिए, चाहे तो यस कर सकते हैं ऐसे करके, लेकिन मैंने इसको नो कर दूंगा। क्लोज ऑर्डर है, उसके बाद डिस्टेंस रिकॉर्ड स्टार्ट है, जनरल रिसेट है, फिर देखिए ऑर्डर में आ गया। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ये पी का मतलब वो मेनू में है, और इसका अंदर चला जाएगा, चला जाऊंगा तो इसका पी चला जाएगा, उस तो उससे आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए जो मैंने उसका अंदर है। कभी कभी क्या होता है, मेनू प्रेस करते हैं हम लोग सोचते हैं कहाँ पे है, ब्रैक करके ऐसे करके चेक करते हैं, लेकिन आपको ये पी दिखेगा तो पता चल जाएगा जब वो मैं ऑर्डर में हूँ। ऑर्डर से मैंने जा रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, वो काम बहुत काम का चीज़ है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये डिस्प्ले है, क्या है ना, डिस्प्ले को कॉन्फ़िगर करना है। आपका डिस्प्ले में जब रिले लगा रहता है तो आप डिस्प्ले के आगे आके देखते हो करंट शो होता है, क्या करंट 3 फेज का करंट या न्यूट्रल, एक साथ 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इसको सेट कॉन्फ़िगर किया रहता है। देखिए मैं कैसे कॉन्फ़िगर करता हूँ, डिस्प्ले के अंदर डाउन प्रेस किया, देखिए डिफॉल्ट डिस्प्ले करंट L1 L2 L3 एंड न्यूट्रल, मतलब तीनों चारों एक साथ शो होगा। अब इसको चेंज करना है तो देखिए RMS करंट न्यूट्रल शो होगा, RMS करंट 3 नंबर फेज का 2 नंबर फेज का 1 नंबर फेज का, फिर सारे एक साथ शो होगा। तो आप देख सकते हो RMS सिंगल भी शो होगा, चारों एक साथ शो होगा। तो मैंने चारों को सिलेक्ट कर लिया, फिर छोड़ दे, इसको प्रेस कर देंगे तो ओके हो गया। फिर देखिए फेज 1 टेक्स्ट L1, मत
L1 जो वहां पे लिखा था, L1 का मतलब ए फेज में शो होगा, आर फेज, ए फेज, L1, ए टेक्स्ट में। तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो, सेम बी फेज के लिए टेक्स्ट, सी फेज के लिए और न्यूट्रल के लिए। फिर देखिए पी आ गया तो उसका मतलब साब मेनू से मैंने मेनू में आ गया, फिर इसको राइट फ्रेश करेंगे, सीटी रेशियो आ गया। सीटी रेशियो क्या है ना, ब्रेकर का जो सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर है, उसका सेटिंग यहाँ पे देना पड़ता है। तो हिसाब से रिले को पता चलेगा कैसे करंट आ रहा है, कैसे उसको कैलकुलेशन है। तो सीटी का अंदर जा रहा हूँ, देखिए लाइन सीटी है, लाइन में जो सीटी इंस्टॉल किया रहता है उसका 1000 एम्पियर है प्राइमरी, 1000 एम्पियर दे दिया। इसको चेंज करना है तो देखिए चेंज कर दूंगा, कैसे कर सकते हो, लेकिन मैंने 1000 छोड़ दिया। देखिए लाइन सिटी का सेकेंडरी 1 या 5 होता है, 1 भी है, इसको चाहे तो 5 कर सकते, 5 हो गया, फिर 1 कर दूंगा, 1 हो गया, लाइन सिटी हो गया। देखिए ग्राउंड सिटी में भी 1000 है, न्यूट्रल सिटी उसका सेकेंडरी में ही 1 है। फिर देखिए सिटी रेशियो में आ गया, फिर मैंने उसको LED कॉन्फ़िगरेशन किया है, LED कॉन्फ़िगरेशन देखिए 5 नंबर LED को कॉन्फ़िगर करना है तो नीचे डाउन कीजिए। डाउन करने के बाद यहाँ पे लिखा है करंट फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज में करंट आएगा तो यस होगा, सेकंड यहाँ पे नो है, नो है, नो है, थर्ड स्टेज में, ऐसे करके आप चाहे तो जितने सारे हैं जिसमें यस यस करोगे उसमें उसमें फॉल्ट आएगा तो इसमें शो कर देगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कॉन्फिगर करके, 5 नंबर LED को अर्थ फॉल्ट में अभी प्रॉब्लम है इसलिए आपको दिखा पा रहा हूँ। देखिए प्रेस किया, यस किया, एंटर किया, देखिए यस हो गया, लाइट ब्लिंक हो गया। इसको डाउन बंद करेंगे तो क्या ऐसे देखिए चला गया। तो ऐसे करके आप LED कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सारे बहुत कुछ है, मैनुअल में देख लेंगे, नहीं तो डाउन करके आप देख सकते हो। उसके बाद 5 हो गया, 6 नंबर LED कॉन्फ़िगर ऐसे करके होगा, 7 नंबर सेम, 8 नंबर LED सेम टू सेम कॉन्फ़िगर होगा। देखिए ग्रुप सिलेक्शन, ग्रुप सिलेक्शन खूब वाइटल है क्योंकि जब फॉल्ट आता है ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है। मैंने ग्रुप 1 में आप सेटिंग कर दोगे ग्रुप 2 में, लेकिन वहां पे सिलेक्शन है ग्रुप 1 तो फॉल्ट एक्टिव नहीं होगा, इसलिए आपको ग्रुप 1 के आगे नीचे आना है। द चेंज ग्रुप इनपुट इज इक्वल टू मेनू, उसके नीचे देखिए सेटिंग ग्रुप, यहाँ पे प्रेस करेंगे 1 से 2 कर देंगे, 2 हो गया, लेकिन मैंने इसको 1 ही रहने देना है तो 1 करेंगे, 1 छोड़ दिया, ठीक है। ग्रुप के बाद आ जाता हूँ एलम, अलार्म में ये और सारे अलार्म जिसमें यस करना है उसमें अलार्म ब्लिंक करेगा, छोड़ दिया। उसके बाद इनपुट है, इनपुट में इनपुट है अभी 0 लेके कॉन्फ़िगर किया है, इसका हम 1 लेके भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इधर के चेंज करके मैंने 1 1 कर सकता हूँ हम लोग इनपुट में, इनपुट में इसको चेंज कर देंगे, इसको जैसे था ऐसे रख छोड़ देंगे। इनपुट इनपुट जो हम लोग इनपुट देते हैं उसका DC देना है AC देना है, हम लोग इधर चेंज कर सकते हैं AC या DC, ठीक है ना, लेकिन हम DC था DC कर देंगे, DC दिया है। उसके बाद इनपुट से एग्जिट हो जाएगा, इसके बाद आउटपुट रिले से, आउटपुट रिले है, ये रिले आउटपुट होगा, हो रहा है इसमें मेंटेनेंस मोड। अभी कभी भी आपको मैनुअल में कुछ काम करना है तो मेंटेनेंस मोड में जाके इसको यस करना है, मेंटेनेंस मोड, इसको आपको कमांड देना है तो आपको मैनुअली ब्रेकर को इधर से कमांड देकर ट्रिप करना है, तो आपको इधर जाके इसको सेटिंग कर देना है तो 1 नंबर रिले आउटपुट दे देगा। 2 नंबर को चेक करना है, यहाँ पर जो रिले आउटपुट है वहाँ पर चेक कर सकते हो आप, तो रिले आउटपुट हो गया। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे फेज रोटेशन, फेज रोटेशन आप देख सकते हो, फिर ABC है, इसको हम लोग चाहे तो ABC है, ACB कर सकते हैं या ABC दोनों चेंज कर सकते हैं। फेज रोटेशन, फेज रोटेशन के बाद डिस्प्ले आ गया, तो मैंने उससे एग्जिट होके कॉन्फ़िगरेशन का काम हो गया। उसके बाद हम मेजरमेंट में जाएंगे, देखिए मेजरमेंट में अभी फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं शो हो रहा है, करंट नहीं है, कुछ नहीं शो हो रहा है क्योंकि अभी इसको लगा नहीं है, ठीक है ना, सिटी का नहीं है, इसलिए मेजरमेंट में कुछ नहीं शो हो रहा है।
से एग्जिट करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। बहुत बहुत सारा सेटिंग है इसलिए मैंने एग्जिट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन यस है, कम्युनिकेशन बर्ड रेड है, बेंट पार्टी है, स्टॉप बिट वन, रिले एड्रेस, डेट फॉर्मेट प्राइवेट, ठीक है, प्रोटेक्शन वन, ये काम में लगता है। देखिए प्रोटेक्शन क्या है, 50-51 ओवर करंट प्रोटेक्शन, फर्स्ट एज यहाँ पे यस है। तो देखिए जो हमारा प्राइमरी का है 0.5 करेंगे, तो उसका 0.5 करो, 1000 एम्पीयर का 0.5 मैंने 500 एम्पीयर है। डिले टाइम है IDMT, कार जो है IDMT का, कौन से कार में कब करेगा, TMS का है, टाइम रीसेट 0 है, सेकंड स्टेज है, ऐसे करके सेकंड स्टेज 9 है, ओवर करंट हो गया। उसके बाद हम न्यू अर्थ फॉल्ट में चला जाएंगे, अर्थ फॉल्ट देखिए, अर्थ फॉल्ट यस है, करंट सेटिंग है, IDMT है, कार IECSI है, इंटरलॉग है, TMS है, टी रीसेट है, फिर गेटर फास्ट गेटर में आ गया, ओवर करंट हो गया, फिर नेगेटिव फेज सीक्वेंस है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो, थर्मल ओवरलोड है, यहाँ पे 9 है, अगर करना है तो कर सकते हो, अंडर करंट सेटिंग कर सकते हो। तो हम लोग प्रोटेक्शन 1 हो गया, प्रोटेक्शन 2 भी सेम है, आप देख सकते हो प्रोटेक्शन 2 के अंदर ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, नेगेटिव फेज सीक्वेंस, थर्मल ओवरलोड, अंडर करंट रखा है प्रोटेक्शन 2। ऑटोमेट कंट्रोल, इसके अंदर बहुत कुछ है, ट्रिप कमांड में यह चेक कर सकते हो, बहुत कुछ में ट्रिप कमांड है, इसको ये सर नो कर सकते हो। तो अब इस मैनुअल के हिसाब से आप चेक करके ये सर नो कर सकते हो, ट्रिप कमांड है। उसके बाद लैच फंक्शन है, ये लैच फंक्शन है, नो है, इसमें नो है, इसमें नो, सब नो करके रखा है हम लोग ना, आप चाहे तो इसमें यस कर सकते हो, यस करेंगे तो वो रिले जितने होल्ड होकर रहेगा जितना देर, अब आके रिसेट नहीं करेंगे, फॉल्ट आने से भी रिसेट, फॉल्ट रिकवर होने से भी रिसेट नहीं होगा, ठीक है। लॉज कंट्रोल के बाद आप लोग जाएंगे ब्लॉकिंग लॉजिक, 1-2 दोनों लॉजिक है, इंडस ब्लॉकिंग, तो लॉजिक सिलेक्शन 1, लॉजिक सिलेक्शन 2, अब इस पर लॉजिक सिलेक्शन कर रखते हो, आउटपुट रिलेज, आउटपुट रिले यहाँ पे ट्रिप में यहाँ चेक कर सकते हो। आउटपुट रिले के बाद टच आउटपुट रिले, इनपुट 1, इनपुट 2 इस चेक कर सकते हो, यहाँ भी बहुत कुछ है। वीडियो देख रहे हो, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं तुरंत जल्दी जल्दी आप लोग को दिखा रहा हूँ। ब्लॉकिंग कॉन्ट्रैक्टर, ब्रोकन कॉन्ट्रैक्टर, गोल्ड लोड, PU, CB फेल में यस और नो कर सकते हो, सर्किट ब्रेकर फेलियर, तब CB सुपरविजन, यहाँ पे यस है, यह पे नो कर सकते हो, यस कर सकते हो। देखिए ऑटोमेट के अंदर इंडस ब्लॉकिंग, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉज आउटपुट, इनपुट, ब्लॉक, CPU, सर्किट ब्रेकर, सुपरविजन, लॉजिक इक्वेशन, ट्रिप कमांड। उसके बाद आ रहा है रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड में आप लोग देख सकते हो CV रिकॉर्ड है, CV रिकॉर्ड के अंदर CV ओपनिंग टाइम, CV क्लोजिंग टाइम, CV ऑपरेशन कितना करके चेक कर सकते हो आप। CV के बाद उसके बाद फॉल्ट रिकॉर्ड में देखते थे, 25 फॉल्ट रिकॉर्ड यहाँ पे टोटल स्टोर होता है। अब ये भी 25 नंबर फॉल्ट को देखना है तो डाउन करके चला जाइए, देखिएगा यहाँ पे, देखिए थ्रेशोल्ड टाइप रिमोट ट्रिप है, ठीक है ना। अगर आपको दिखा रहा हूँ 45 नहीं, मेरे को देखना है 20 नंबर फॉल्ट, तो 20 में जाके ओके कर रहा हूँ, देखिए जितना आ रहा है उसको ओके करके डाउन किया, 19 किया, ओके किया, फिर डाउन किया, देखिए ये टाइम हो रहा है, टाइम दिखा रहा है, इसका डेट दिखा रहा है, उसके बाद एक्टिव सेट
ग्रुप मतलब कौन सी ग्रुप सेटिंग एक्टिव था, एक नंबर ग्रुप एक्टिव था इसलिए एक नंबर। उसके बाद फॉल्ट था फेच अर्थ फॉल्ट, उसके बाद थ्रास होल्ड किस लिए अर्थ फॉल्ट ही था, मतलब मैक्सिमम करंट था अर्थ फॉल्ट में, अर्थ में इतना था और ए फेज में मैक्सिमम इतना था, मैग्नीट्यूड इतना था, बी फेज का मैग्नीट्यूड, सी फेज का मैग्नीट्यूड और न्यूट्रल का मैग्नीट्यूड इतना था। ठीक है ना, फॉल्ट रिकॉर्ड हो गया। तो मैंने फॉल्ट रिकॉर्ड के बाद आ रहा है इंस्टेनियस। इंस्टेनियस भी पास 5 स्टोर होता है, यहाँ पे हम 5 नहीं सो देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट 3 में देखेंगे। तो 3 करके ओके करेंगे, फिर डाउन करेंगे। देखिए 4 तारीख हुआ था, अर्थ फोल्ड हुआ था, लेंथ था तो 9.8444 सेकेंड। ट्री भी होता है, यस मतलब वो ट्री भी हुआ था। एक मिनट, रिकॉर्ड का अंदर फॉल्ट का इंस्टेनियस 3 नंबर था, इसको डाउन किया। ये टाइम दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, और ओरिजिन हुआ इतना, अर्थ फॉल्ट से ओरिजिन हुआ, लेंथ इतना टाइम था, टिप हुआ, टिप भी हुआ था, ये सब ट्रिप। इंस्टेनियस फिर से इंस्टेनियस हो गया। डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड, यहाँ पे भी 5 तो इंस्टर्बेंस रिकॉर्ड शो होता है, मैंने 5 नंबर ही देख रहा हूँ। डाउन इसलिए डाउन किया, फ्री टाइम इतना है, डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड के बाद हमारा फिर आउटपुट पैरामीटर आ गया। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए यही है, इतना तक मैंने कोशिश किया दिखाने के लिए आप लोगों को। आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप हो सके तो आपका दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।